वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर को फुली रिवाइज करने वाले हैं, जो कि आपके JEE एंड नीट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सभी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, सभी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और जो भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सभी आपके इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी के सभी चैप्टर्स की फुल रिविजन्स के लिंक मिल जाएंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर फिज़िक्स केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स की फुल रिविजन्स फॉर द JEE एंड नीट एग्ज़ाम मिल जाएंगी। तो प्लीज़ उन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो एटम के अंदर हमें जैसे कि पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की गई थी जे.जे. थॉमसन के द्वारा, प्रोटॉन्स की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा, न्यूट्रॉन्स की गई थी चैडविक के द्वारा। तो मॉडल ऑफ एटम में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, सबसे पहले आया था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। उसने हमें सिंपली बताया था कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स इम्बेंड होंगे, ठीक है, वाटरमेलन की तरह, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉयल वाला, ठीक है, गोल्ड फॉयल पर उसने अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया। तो उसके साथ उसने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के बारे में जो सबसे बड़ी ये डिस्कवरी हुई थी, एटम के अंदर एक पॉजिटिव और स्मॉल एंड हैवी पार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, उसके बारे में हमें रदरफोर्ड ने बताया था। इसके बाद बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास जो हैं वो सभी उसके आसपास ऑर्बिट्स में रोटेट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने बताई कि उसके आसपास डिस्क्रीट एनर्जी शेल्स होते हैं, ठीक है ना, कंटिन्यूस एनर्जी शेल्स नहीं होते। उसके बाद हमारा जो अब मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसने के ऑर्बिटल्स के बारे में हमें बताया, ठीक है ना, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल वगैरह, इसके बारे में पूरी जानकारी दी। तो इसी के बारे में हमारा ये कंप्लीट चैप्टर होगा, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पर बोहर्स के बारे में और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में ज़्यादा रीड करने वाले हैं। तो ये होता है एटम, ठीक है। एटम के अंदर जो पार्ट होता है, जो कि काफ़ी छोटा होता है, बट मेन एटम का मास यहीं पर होता है। इसमें होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स पर चार्ज होता है पॉजिटिव, जिसका अमाउंट होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻²⁷, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो न्यूट्रॉन्स का मास भी सेम एज इट इज़ होता है प्रोटॉन्स के जैसा, थोड़ा सा इन दोनों में गैप होता है, वो आप लोग फिजिक्स में रीड कर लेंगे। अभी आपको यही याद रखना है, दोनों का मास सेम होता है, और न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है नेगेटिव, दैट इज़ द −1.6 × 10⁻¹⁹, और इसका मास होता है 9.11 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम। काफ़ी लो होता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो, नेग्लिजिबल मास होता है इसका, ठीक है। तो ये होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब हम आगे रीड करते हैं वेव मोशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, ठीक है। वेव्स होती हैं जब डिस्टर्बेंस जो है वो मूव करती है आगे को, तो उसमें एक हायर जो एम्पलीट्यूड का पार्ट बनता है और एक बनता है लो एम्पलीट्यूड का पार्ट। हायर एम्पलीट्यूड को हम बोलते हैं क्रस्ट, और लो एम्पलीट्यूड के पार्ट को हम बोलते हैं रफ, ठीक है। क्रस्ट और रफ बनते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेव। और वेव की जो स्पीड होती है सी, दैट इज़ इक्वल्स टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हेयर सी इज़ कॉल्ड द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सी। सी का फॉर्मूला क्या है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पर न्यू के साथ रिप्रेजेंट किया है, न्यू है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज़ द वेवलेंथ, वेवलेंथ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल लैम्डा, ठीक है। और इसके अलावा एक फॉर्मूला हो रहा है, दैट इज़ द वेव नंबर न्यू बार, इसको हम रीड करते हैं न्यू बार, दैट इज़ 1/वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है, और ये है सी, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। सी की वैल्यू क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट की, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास सी की वैल्यू होती है, ठीक है। सो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में रखा जाता है,
ठीक है। सबसे पहले आती हैं कॉस्मिक रेज़ जो हमें स्पेस में मिलती हैं मोस्टली, फिर आती हैं गामा रेज़, ठीक है। इनकी वेवलेंथ सबसे छोटी है, इनकी उनसे हायर है गामा रेज़ जो कि रेडियो एक्टिव मटीरियल से मिलती हैं, एक्सरेज़ जिसके साथ एक्सरे किया जाता है, यूवी रेडिएशन जो कि सन से आती हैं, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट हमारी अर्थ पर भी आ सकती हैं जिनको के ओजोन अपने में अब्जॉर्ब करती है। विजिबल रीजन जो हम देख सकते हैं विबग्योर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। विजिबल में क्या पार्ट आता है, विबग्योर। उसके बाद आती हैं इंफ्रारेड जिनके कारण के हमें हीट फील होती है, ठीक है। फिर आती हैं माइक्रोवेव और एंड में आती हैं रेडियो वेव्स जिनको के कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर है और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर इसके ऑपोजिट है, आपको याद रखना है। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ठीक है। अगर हम बात करें मान लीजिए कि कॉस्मिक रेज की, वेवलेंथ सबसे छोटी है बट फ्रीक्वेंसी इनकी सबसे हाई है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है, ये बात आपको याद रखनी है, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन इज़ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। तो प्लैंक्स ने हमें क्या बताया था कि एनर्जी जो है वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में हमेशा रिलीज होती है या फिर अब्जॉर्ब होती है, ठीक है। डिसकंटिन्यूसली होती है, कंटिन्यूसली बिल्कुल नहीं होती, और डिसकंटिन्यूसली वो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में ही हमेशा अब्जॉर्ब या फिर अमिट होती है, जिनको के हम बोलते हैं क्वांटा, और इनको हम बोल देते हैं फोटॉन्स इन द केस ऑफ द लाइट, ठीक है। फोटॉन्स आर द स्मॉल पैकेट्स ऑफ द एनर्जी, एनर्जी हमेशा फोटॉन्स की फॉर्म में ही जो है वो इसमें अमिट होती है या फिर अब्जॉर्ब होती है, और जो भी हमारे पास फोटोन होता है उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ ई इज़ इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी, एच इंटू न्यू, एच क्या है यहाँ पर प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एंड न्यू क्या है यहाँ पर, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर सी इज़ इक्वल्स टू न्यू इंटू वेवलेंथ के फॉर्मूले में से न्यू को सोल्व कर लें, दैट इज़ सी ओवर वेवलेंथ, तो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, ई इज़ इक्वल्स टू H इंटू सी ओवर वेवलेंथ, ठीक है। और यहाँ पर प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये आपने याद रखनी है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल बिहेवियर हो चुका है, वो वेव तो ऑलरेडी थी बट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग उसमें एक स्मॉल पैकेट यानी कि उसके अंदर फोटॉन्स जिनको के हम एज ए पार्टिकल अज्यूम करते हैं वो भी होते हैं, ठीक है। तो इनका डुअल नेचर होता है वेव लाइक एंड द पार्टिकल लाइक, ठीक है ना। पार्टिकल लाइक जो इनका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर, वो प्रूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड द कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड द कॉम्पटन इफेक्ट, एंड इसका वेव लाइक नेचर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इन सभी फिनोमिनास के साथ हम प्रूफ कर सकते हैं। ये सभी फिनोमिने, ये दोनों नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सिंपली किया है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना, जो हमने ऊपर अभी एक्सप्लेन किया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काफ़ी सिंपल होता है, इसकी ऑब्जर्वेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें आखिर होता क्या है, जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को मेटल के सरफेस पर स्ट्राइक किया जाता है तो उनकी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर कर मेटल के इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इसमें सीजियम, रुबीडियम, पोटाशियम जैसे ग्रुप नंबर 1 के अल्कली में मेटल्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिलती है कि सर्टन मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज़ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमें एक सर्टन मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मेटल के अंदर एक स्पेसिफिक फोर्स के साथ बाइंड हुआ होता है, ठीक है ना। उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उतने स्पेसिफिक अमाउंट एनर्जी की वेवलेंथ जो होती है वो हमें मिनिमम रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, ओके, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, दैट इज गिवन बाय द प्लैंक्स, एच इज इक्वल्स ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है, ओके। नाउ जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो वो मूव करेगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, जो हमने रेडिएशन यूज़ की थी उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है।
एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, एक आएगा, दो आएंगे, हजार आएंगे, 2000 आएंगे, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी और द ब्राइटनेस ऑफ द रेडिएशन पर, ठीक है ना। इंटेंसिटी मतलब कि हमने कितने फोटॉन्स यूज़ किए हैं, दिस इज़ द वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमिना। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही इजेक्ट कर सकता है, चाहे 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 उस फोटोन में कितनी भी एनर्जी क्यों ना हो, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। ओके, सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि एनर्जी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटोन, जितनी हमने स्ट्राइकिंग एनर्जी यूज़ की है, उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो वो बाइंडिंग एनर्जी में यूज़ हो जाती है, और सेकंड वो क्या बन जाती है, कनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो बाहर आया है, ठीक है। इतनी तो अंदर ही यूज़ हो गई और बाहर वाले की इतनी बन गई, इसको हम फॉर्मूले में लिखेंगे। ये हमने यूज़ की रेडिएशन की एनर्जी एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू, और ये उसके अंदर यूज़ हो गई बाइंडिंग एनर्जी जितनी हमारी थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये उसकी काइनेटिक एनर्जी बाहर आई। बाइंडिंग एनर्जी यानी कि एच न्यू को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज़ द वर्क फंक्शन, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो प्लीज़ आप लोगों को इसे अच्छे से ध्यान से सुनना है। अगर आप लोगों को इस चैप्टर की, इस पूरी वीडियो की PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जब इस वीडियो के 5000 व्यूज़ क्रॉस हो जाएंगे, तो तब इसकी PDF फाइल वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आपको जल्दी से जल्दी इसे शेयर कर कर इसके 5000 व्यू करने हैं, और फिर आपको इसकी फुल PDF फाइल भी दे दी जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन दिस टॉपिक, ठीक है, न्यूमेरिकल है, ध्यान से रीड करिएगा। ए हंड्रेड वाट बल्ब अमिट्स लाइट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द 400 नैनोमीटर, ठीक है। एक 100 वाट के बल्ब में से 400 नैनोमीटर की लाइट अमिट हो रही है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ द फोटोन्स अमिटेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने फोटोन्स आते हैं, ठीक है ना। 100 वाट, वाट क्या होती है, पावर होती है, ठीक है। तो पावर ऑफ द बल्ब इज 100 वाट, ठीक है, और एक सेकेंड हमें चाहिए, तो एनर्जी कितनी बन जाएगी, 100 जाउल, बिकॉज एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, ठीक है ना। पावर कितनी थी, 100, 100 इंटू टाइम कितना था, सेकेंड, सो ये बन गई 100 जाउल, एनर्जी आ गई है। अब हमें सिंपली क्या करना है, एक फोटोन की एनर्जी सोल्व कर कर उसको 100 के साथ हमें डिवाइड करना है। सिंपली एनर्जी ऑफ द वन फोटोन इज इक्वल्स टू एच सी बाय वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ दी है तो हम वेवलेंथ का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो आपको जस्ट सिंपली इनकी वैल्यूज लगानी है, सी की वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन वर्क आपको खुद करना है। अब इन दोनों को आपको जस्ट डिवाइड करना है नंबर ऑफ फोटोन्स, टोटल एनर्जी दैट इज 100 जाउल, एनर्जी ऑफ द वन फोटोन, दोनों को हमने किया डिवाइड, तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल सकते हैं। ओके, सो देयर इज अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम एटम। सोडियम एटम इतनी वेवलेंथ के साथ आयनाइज ही हो जाता है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम इन किलो जाउल पर मोल। तो अब यहाँ पर यूनिट्स की आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। ये 242 नैनोमीटर एक सोडियम एटम के लिए है, हमें 1 किलो जाउल पर मोल के साथ हमें सोल्विंग करनी है। तो एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द वन एटम, वो तो सिंपल है क्योंकि आयनाइज हुआ है, ठीक है ना। तो हमने फॉर्मूला लगाया एच सी ओवर वेवलेंथ, एच की वैल्यू, सी की वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू थी नैनोमीटर में, हमने चेंज कर लिया 10^9, ये आ गई दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द वन एटम। हमें निकालनी है 1 मोल की, तो 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 × 10^23, उसके साथ आपको इसे करना है मल्टीप्लाई। तो बाद में 1000 के साथ हम किसे करेंगे डिवाइड, तो यहाँ से किलो जाउल पर मोल में आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ ये वीडियो हमारी थोड़ी सी फास्ट रहेगी, क्योंकि हमें फुल चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर आपको सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखना है, अभी आपके लिए JEE एंड नीट एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम बाकी है, तो प्लीज़ इसे रोक कर वीडियो को नोट डाउन करें, ध्यान से सुने, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज़ द ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। हमने इससे पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव मोशन के बारे में रीडिंग की है। अब हम रदरफोर्ड मॉडल, हमें जो है वो सिलेबस में नहीं होता, बाकी अगर आपको रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट को अच्छे से रीड करना है, वो आपको फिजिक्स में मिल जाएगा, आपका क्लास प्लस टू का 7th यूनिट है, उसमें आपको रदरफोर्ड के सभी रिजल्ट्स, ऑब्जर्वेशंस वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। ड्रॉबैक्स इसके क्या थे कि ये जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था,
ठीक है, क्योंकि इसने हमें क्या बताया था कि जब इसने हमें ये बताया था कि जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के आसपास एज ए सोलर सिस्टम की तरह, जैसे उसके आसपास सभी प्लैनेट घूमते हैं सन के आसपास, वैसे ही न्यूक्लियस के आसपास सभी इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ये इसने हमें बताया था। बट उस टाइम पर क्या हुआ कि मैक्सवेल के प्रिंसिपल ने हमें बताया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी अट्रैक्टिव फोर्स के अंडर रिवोल्व करता है तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज़ करता रहता है, और उसकी एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो अगर उसकी एनर्जी डिक्रीज़ हो रही होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन अपना एक स्पायरल पाथ बनाता हुआ तो एंड में न्यूक्लियस के अंदर ही आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की खुद की एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगी, जिसके कारण एटम की भी एग्जिस्टेंस वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब एटम स्टेबल नहीं है, ये रदरफोर्ड जो है वो नहीं बता पाया था। ठीक है, इसके अलावा उस टाइम पर जब हमने स्पेक्ट्रम बनाए तो इट फेल्स टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एंड आल्सो इट फेल्स टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। जो एनर्जीज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स में जो हैं, एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें जो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है उसके बारे में भी उसने हमें खुद नहीं बताया था। ठीक है, तो फिर इसके बाद आया बोहर्स अटोमिक मॉडल, जिसने के हमारी कुछ हद तक कन्फ्यूजन्स को दूर किया। इसने बेसिकली प्लैंक्स की थ्योरी को यूज़ कर कर अपना जो है अटोमिक मॉडल जो है वो बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले इसने हमें क्या बताया कि एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हमें रदरफोर्ड ने भी बता दिया था। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन द सर्टन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ्स। उसने हमें ये बताया कि एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्टन सेलेक्टेड ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते हैं जो कि सर्कुलर शेप के हैं। ठीक है, जितना टाइम वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है वो ना तो एनर्जी लॉस कर पाएगा ना ही गेन कर पाएगा, ये उसने हमें बताया। ठीक है, सो कौन कौन से ऑर्बिट हो सकते हैं ये उसने हमें बताकर दिए थे यहाँ पर कि एन इज़ इक्वल टू वन ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, जिनको कि KLM का भी नाम दिया जाता है। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिर्फ वही ऑर्बिट्स हमें मिलते हैं जिनमें के इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम दैट इज़ इक्वल टू m मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज़ द मल्टीपल ऑफ द h बाय 2π। ठीक है, मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या बना कि एंगुलर मोमेंटम mvr इज़ इक्वल टू nh बाय 2π। सिर्फ वही ऑर्बिट वहाँ पर बन सकते हैं, ये उसने हमें फॉर्मूला दिया था। फिर आगे जाकर इस फॉर्मूले के साथ हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ द यह ऑर्बिट ऑफ द यह एटम ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ये सभी कुछ उसने हमें सोल्व कर कर बताया था। ठीक है, ओके है। और फोर्थ उसने हमें बताया पॉइंट कि एनर्जी जो है जब भी अब्जॉर्ब और अमिट होगी, मैं आपको यहाँ से यह समझाता हूँ, जब भी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी तो वो अपने लोअर एनर्जी लेवल से जंप कर कर हायर में चला जाएगा जब वो एनर्जी ऑफ द रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा। अगर एनर्जी वहाँ से अमिट होगी, बाहर निकलेगी, तो वो हायर से जंप कर कर लोअर ऑर्बिटल में आ जाएगा। दोनों केसेस में जिस ऑर्बिट से वो जिस ऑर्बिट में गया है, ठीक है, उन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस जो एनर्जी है वो आइदर अब्जॉर्ब होगी आइदर अमिट होगी। ठीक है, तो ऐसे उसने जो है एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। सो दिस इज़ द बोहर्स अटोमिक मॉडल। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों का बोहर्स अटोमिक मॉडल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बोहर ने हमें कुछ फॉर्मूलास बनाकर दिए, और वो भी सभी हाइड्रोजन एटम के लिए उसने हमें बेसिकली सभी फॉर्मूलास दिए, या फिर हाइड्रोजन जैसे और भी जो एटम जिनके पास ओनली वन इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी एटम्स हो सकते हैं, जितने भी हमारे पास आयन्स हो सकते हैं, उसके लिए उसने हमें फॉर्मूलास बनाकर दिए। सबसे पहला फॉर्मूला उसने हमें बनाकर दिया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर किसी भी ऑर्बिट यानी कि nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या है, -2.18 × 10⁻¹⁸ ओवर एन स्क्वायर। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, जाउल पर एटम। ठीक है, जाउल्स में एक एटम की एनर्जी एक एटम के लिए -13.6 ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10^-19 जॉल, या फिर -1311.8 ओवर एन स्क्वायर किलो जाउल पर मोल। ठीक है, मोल के अकॉर्डिंग ये बने। ओके, अगर हमें सोल्व करना हो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, इन सभी फॉर्मूलाज के साथ हमें जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। जेड स्क्वायर क्या है, उन सभी आयंस का एटॉमिक नंबर, जैसे कि लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए 3 और हीलियम 2 और हमारे पास हीलियम पॉजिटिव के लिए 2, तो इनके पास भी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इन पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो प्लीज़ ये फॉर्मूलाज को नोट करें, ये पेपर में बहुत बार आए हुए हैं, बहुत बार इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इन्हें नोट डाउन करें। ठीक है, आगे उसने हमें बताया कि बोहर्स रेडियस ऑफ एंथ ऑर्बिट दैट इज इक्वल्स टू आर एन ए नोड इंटू एन स्क्वायर ओवर सेट। यहाँ पर ए नोड की वैल्यू क्या है, 52.9 पिकोमीटर, और एक पिकोमीटर का मतलब होता है 10^-12 मीटर। ठीक है, तो ये उसने हमें रेडियस का फार्मूला दिया, रेडियस भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये दोनों ऐसे फार्मूले हैं, एक एनर्जी का और एक रेडियस का, जिन पर क्या डायरेक्ट ही हमें प्रॉब्लम पूछी जाती है। ठीक है, काफ़ी इजी होता है, आपके डायरेक्टली 4 मार्क्स बन जाते हैं JEE और नीट एग्जाम में। ठीक है, ओके, नाउ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन जो एटम होता है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। आयनाइजेशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से बाहर निकालकर इनफाइनाइट ऑर्बिट में एक है पहुंचाना। सो हमें क्या करना है, ई यहां पर इनफाइनाइट ऑर्बिट -E1, सो इनफाइनाइट पर जाने का मतलब उसकी एनर्जी हो जाएगी 0, सो 0 -E1, तो E1 की वैल्यू क्या थी, ई है 1, तो एन की वैल्यू हमने यहां पर लगा दी 1, तो इसका आंसर हमें ये डायरेक्टली मिल जाएगा, और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊपर हमने फॉर्मूला किया था En का, उसमें हमने एन की वैल्यू क्या लगा दी है, 1 लगा दी, वहाँ से हमने ये वैल्यू की है पुट, और यहाँ पर था एक माइनस, एक इसके अंदर होता है माइनस, वो दोनों क्या बन गए, प्लस बन गए। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप इसको नोट डाउन करते हैं तो आपके लिए सबसे 100% आपको इसका रिजल्ट फ्री होगा। ठीक है ना, फ़ायदा आपको फ्री होगा। तो कुछ इस पर बेस्ड हम करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जैसे कि ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है। व्हाट इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। फिफ्थ के लिए हमें सोल्व करनी है, तो फॉर्मूले में एन की जगह पर हम यूज़ कर लेंगे 5, बाकी सिंपल है, जाउल पर एटम में हमारा फॉर्मूला आ गया, आंसर आ गया। फाइंड द बोहर्स रेडियस ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट, फिर हम सेम करेंगे। ठीक है ना, फॉर्मूले में यहाँ पर ए नोड इंटू एन स्क्वायर ओवर था जेड, बट हाइड्रोजन के लिए उसकी वैल्यू लग गई 1, और एन की जगह पर हमें यहाँ पर यूज़ कर लेना है 5, तो आप इसको पिकोमीटर में भी सोल्व कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, अगर आपको जो भी यूनिट्स में आपको आंसर पूछा जाए उनमें आप इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, नैनोमीटर मतलब होता है 10^-9 मीटर। ठीक है, और पिकोमीटर का मतलब होता है 10^-12 मीटर। दोनों यूनिट्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम एक सिंपल सी चीज़ है, सीरीज ऑफ द कलर बैंड्स। जैसे आपने रेनबो देखा होगा, ठीक है, रेनबो में सभी रंग जो होते हैं उनकी एक सीरीज बन जाती है, वो उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज द कंटिन्यू स्पेक्ट्रम, जैसा रेनबो होता है एक रंग दूसरे के ऊपर ही आया होता है, उनमें कोई गैप नहीं होता। ठीक है, वन कलर अर्जेस इनटू अनदर विदाउट एनी गैप। और एक होते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, तो हमारे लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट स्टडी का टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में शार्प वेल डिफाइंड बैंड्स बनते हैं। ठीक है, अलग अलग बैंड्स बनते हैं, दूर दूर बीच में गैप होता है। वेल डिफाइंड लाइंस और बैंड्स कोरेस्पोंडिंग टू द डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, सबकी अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे हमें याद है कि रेनबो के जो 7 कलर होते हैं उन सभी की अलग अलग वेवलेंथ या फिर एक फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। ठीक है, ओके है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो टाइप के होते हैं, अमीशन स्पेक्ट्रा या फिर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अमीशन स्पेक्ट्रा में पहले एटम को इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी के साथ उसको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, फिर वो रेडिएशन छोड़ता है, उसका हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, और बाकी पूरी स्क्रीन ब्लैक रहती है, और जहाँ पर भी जो भी वेवलेंथ बाहर आती है वहाँ से ग्लो करती है स्क्रीन। ठीक है ना, कलर्ड लाइंस बन जाती है जो भी वेवलेंथ होगी उसके उसके अकॉर्डिंग। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हम क्या करते हैं, हमारा जो भी होगा, जो भी एटम्स होंगे उनमें से हम रेडिएशन को पास करवाते हैं, जो रेडिएशन उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है जितनी उसके अंदर हो सकती थी, और बाकी सभी ऐसे ही एज इट इज़ बाहर आ जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बनते हैं, जो रेडिएशन यहाँ पर अमिट हुई थी वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाती, बट सेम वेवलेंथ ही होती है। ठीक है, ये दो टाइप के हमारे पास स्पेक्ट्रम होते हैं। आप
गूगल पर या फिर यूट्यूब पर इनके इन दोनों स्पेक्ट्रम को कैसे ऑब्टेन किया जाता है उनके एक्सपेरिमेंट्स को देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द स्पेक्ट्रम। तो हमारा जो मेन टॉपिक है स्टडी का, दैट इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जब स्पेक्ट्रम बनाया गया तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक चार्ज को पास करवाया थ्रू द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में गैस थी हाइड्रोजन अंडर द लो प्रेशर, उसमें से उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज को पास करवाया, फिर उसने रेडिएशन अमिट की, मतलब हाइड्रोजन ने रेडिएशन, हाइड्रोजन को पहले इलेक्ट्रिक चार्ज से एनर्जी प्रोवाइड की, उसने रेडिएशन छोड़ी, उसकी रेडिएशन को अमिटेड लाइट को फिर एनालाइज किया स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर, जिसके अंदर स्पेक्ट्रम बनता है, तो ये स्पेक्ट्रम ऑब्टेन। ठीक है, ये सभी जो हमारे पास हैं डार्क की हुई लाइंस, ये सभी वहाँ पर ऑब्टेन हुई हैं एज ए डिफरेंट कलर लाइंस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेट फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स। इन सभी को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया गया है। इस रीजन को बोलते हैं लहाइमन सीरीज। इसके बाद आती है बाल्मर सीरीज जो के विजिबल के अंदर होती हैं, इसको हम देख सकते हैं, रंग बनेंगे अलग अलग। फिर आती है पाश्चन, फिर आती है ब्रैकेट, फिर आती है फंड सीरीज। ये सभी इंफ्रारेड पार्ट में है और ये है यूवी रीजन। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पर हमारे पास बनती है। तो मतलब अगर हम इनको देखेंगे ध्यान से तो इनकी इनकी जो वेवलेंथ है वो लो होगी, इनकी हाई, इनकी और ज़्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो इनकी वेवलेंथ को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया, दैट इज़ द राइडबर्ग इक्वेशन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा जाता है। वन ओवर वेवलेंथ इज इक्वल्स टू राइडबर्ग कॉन्स्टेंट ब्रैकेट में वन ओवर एन वन स्क्वायर माइनस वन ओवर एन टू स्क्वायर, और यहाँ पर n2 की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन n1। याद रखिएगा n2 की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन n1, अदरवाइज आपका आंसर नेगेटिव में आ सकता है। ठीक है, तो वन ओवर वेवलेंथ इज आल्सो कॉल्ड द वेव नंबर। ठीक है, राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 109677 पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिए, जो n1 की वैल्यू है, n1 की वैल्यू हमें छोटी रखनी है, अगर होगी लहाइमन सीरीज एन वन की वैल्यू रहेगी वन, एन टू की वैल्यू उससे जस्ट वन ग्रेटर देन से लेकर कोई भी आगे हो सकती है, टू थ्री फोर फाइव अप टू सोन कोई भी। मतलब जनरली हम क्या रूल यूज़ करते हैं, एन टू की वैल्यू एन वन प्लस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन वन प्लस वन। ठीक है, मतलब एन वन में हमें ऐड करना है वन और उससे ऊपर हम कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। बाल्मर के लिए एन वन की टू, पाश्चन के लिए थ्री, ब्रैकेट के लिए फोर, फंड के लिए फाइव, और बाकी सभी सेम रूल है। फाइव वाले के लिए सिक्स से स्टार्ट करना है, फोर वाले के लिए फाइव से स्टार्ट करना है, ऐसे आपको स्टार्ट करना है। अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है, ठीक है, जितना इन दोनों वैल्यूज़ में गैप ज़्यादा होगा, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब उतनी ही छोटी वेवलेंथ होगी, उतनी ही शॉर्ट वेवलेंथ होगी। जितना गैप इन दोनों में छोटा होगा उतनी हाई वेवलेंथ होगी। तो अगर हमें बनानी है लार्जेस्ट वेवलेंथ तो हम गैप छोटा रखेंगे, मतलब n2 को जस्ट n1 प्लस वन रखेंगे। मतलब अगर है n1 वन तो n2 हम कितना रख देंगे, टू। अगर ये आता है केस तो क्या होगी, लार्जेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी। एक याद रख लें, दूसरा ऑपोजिट आप खुद बना सकते हैं। और एक होती है इसमें ले, इसमें क्या बनती है, लिमिटिंग लाइन, मतलब दैट इज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या फिर लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट एनर्जी, वो क्या बनेगी, n2 इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट से चेंज होकर आएगा जो भी n1 की वैल्यू है उसके लिए, ठीक है, ओके है। अगर कोई हाइड्रोजन जैसा कोई और आयन है उसके लिए हमें फॉर्मूला में जेड स्केयर लगा देना है। तो इसको याद रखने के लिए बोहर ने हमें इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। बोहर ने हमें बताया कि हाइड्रोजन गैस में बहुत सारे एटम्स होते हैं, वो सभी डिफरेंट एनर्जी शेल्स में उनके इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड हुए होते हैं। जब वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से बैक आते हैं तो वो अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट अमिट करते हैं, जिसके कारण के ये लार्ज नंबर ऑफ द आयंस ऑब्टेन हुई हैं स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से इसको याद रखना काफ़ी इजी बनता है। ठीक है, अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से जंप कर इलेक्ट्रॉन आता है एनर्जी लेवल वन में तो कौन सी लाइन ऑब्टेन होगी, लाइमन सीरीज। टू में आता है तो ऑब्टेन होगी बाल्मर सीरीज़। थ्री में जंप कर आएगा तो पाश्चन। फोर में आएगा तो ब्रैकेट। फिफ्थ में आएगा तो फंड। मतलब क्या होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है हमारा थर्ड में, वो थर्ड से जंप कर आया है वन में, तो एन टू की वैल्यू हम यूज़ करेंगे थ्री,
क्योंकि हमने याद किया था n2 की वैल्यू ऑलवेज n1 से हायर होगी, n1 की वैल्यू होगी 1। तो ये फॉर्मूले में यूज़ करेंगे 1 ओवर वेवलेंथ के फॉर्मूले में, r इंटू जो भी फॉर्मूला हमने ऊपर किया था। वहाँ से हम जब इलेक्ट्रॉन ने थर्ड शेल से फर्स्ट में जंप किया है कितनी वेवलेंथ रिलीज़ हो रही है वो हम सोल्व कर सकते हैं राइडबर्ग इक्वेशन के साथ। तो ये इसका असल में यूज़ है, ठीक है। तो प्लीज़ इसे ड्रॉ कर कर देखें, ओके। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिस पर बेस्ड प्रॉब्लम पेपर में बार बार आती हैं, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको इस पे इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं करना, EN और RN के फार्मूले के बाद ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। नंबर ऑफ अमिशन लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N2 टू N1, जब इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में जंप हुआ है कितनी डिफरेंट लाइंस बन सकती है। मान लीजिए यहाँ से जंप किया है फर्स्ट में, तो एक लाइन बन सकती है, दो लाइंस बन सकती हैं और 3 लाइन बन सकती है। ये हमें सोल्व करना है। ऐसे ही अगर कोई और हायर वैल्यू आ जाए, ठीक है ना, 6 से पूछ ले, तो हमें यह डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। दिस इज़ द ईजी वन, ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। समेशन N2 माइनस N1, समेशन N2 माइनस N1 का मतलब अगर मान लीजिए है 6 से 2 तक, हमें क्या करना है, 6 माइनस 2 दैट इज़ 4, 4 का हमें समेशन मतलब 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज़ द 10, ठीक है। तो उसको पीछे की तरफ हमने ऐड करना शुरू कर देना है दोनों के डिफरेंस को। इतनी डिफरेंट अमीशन लाइंस वहाँ पर बनेंगी, 10 अमीशन लाइंस, जब हमारा इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ ऑर्बिटल से सेकंड ऑर्बिटल में जंप करेगा तो, ठीक है, ये वहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसके साथ का हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। सो दैट इज़ द वट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बाल्मर ट्रांजिशन ऑफ N=4 to N=2 ऑफ द हीलियम पॉजिटिव स्पेक्ट्रम। अगर हीलियम में हुई है N=4 to N=2, तो हाइड्रोजन में सेम वेवलेंथ की कौन सी यहाँ पर ट्रांजिशन होगी। तो ये हमने पहले हम सोल्व कर लेते हैं। इसके लिए हीलियम के लिए फॉर्मूला लगाएं, N1 की वैल्यू 2, N2 की 4 दी हुई है, Z2 फॉर द हीलियम, सभी वैल्यूज लगाई, हमने वेवलेंथ सोल्व कर ली, दैट बिकम्स द 3/4 R, R को अभी R रहने देते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, अब यहाँ पर 1 ओवर वेवलेंथ की जगह पर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि सेम वेवलेंथ है, ठीक है। तो R के साथ हो जाएगी R कैंसिल। अब हमने स्टार्टिंग की है कि N1 हमने ज्यूम कर लिया कि N1 की वैल्यू होगी 1, कोई भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, बट हम स्टार्टिंग करेंगे N1=2, हमने लगा लिया 1। हम पहले इसे सोल्व कर कर देखेंगे कि N2 की वैल्यू क्या आ रही है। तो N2 की वैल्यू अगर आपकी सोल्व कर कर एक नेचुरल नंबर आ जाए 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ भी, तो आपका आंसर सही है। अगर ना आए तो फिर आपको यहाँ पर N1 की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, 2 यूज़ करनी पड़ेगी। तो हमारा आंसर आ गया है 2 to 1, ठीक है, 2 to 1 हाइड्रोजन में होगी जो वहाँ पर थी सेम उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आता है कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल फेल क्यों हुआ था, क्योंकि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले के लिए ही फॉर्मूले दे सका था, जिनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए इसने कुछ भी नहीं एक्सप्लेन किया। मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाया ये स्पेक्ट्रम पर, दैट इज़ कॉल्ड जीमैन इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाया, दैट इज़ कॉल्ड द स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। और शेप्स ऑफ द मोलिक्यूल नहीं एक्सप्लेन हो पाई इससे कि मोलिक्यूल की शेप क्या होगी। और ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि उस टाइम की दो सबसे बड़ी डिस्कवरीज थी, ये उस जो है वो बोहर नहीं एक्सप्लेन कर पाया। इसके कारण हमें कुछ अलग थ्योरीज की यहाँ पर ज़रूरत पड़ी। इसके बाद आगे हमारा आएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। सो बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बाद दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुए थे, दैट इज़ द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और डी ब्रोलीज हाइपोथेसिस एंड हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन दोनों को यूज़ कर कर ही हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम बनाया गया है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में डिस्कशन करते हैं, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डी ब्रोलीज हाइपोथेसिस, डी ब्रोली ने हमें क्या बताया कि हर एक मटीरियल पार्टिकल जब जब मूव करता है तो उसमें वेव बन जाती है, ठीक है। सो लुइस डी ब्रोली सजेस्ट दैट सिमिलर टू द लाइट ड्यूअल नेचर, मैटर हैज़ आल्सो द ड्यूअल नेचर, इज़ दैट एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ ए वेव एसोशिएटेड विद इट विच इज़ कॉल्ड डी ब्रोली वेव और मैटर वेव।
इफ़ द पार्टिकल हैज़ मास m, अगर उस पार्टिकल का मास हो m एंड वेलोसिटी हो v, सो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू h, प्लैंक्स कांस्टेंट बाय मास इनटू वेलोसिटी, बाय मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पर h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और मास इनटू वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत बार पेपर में आता है, तो प्लीज़ इस फॉर्मूले को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, इसे अच्छे से याद रख लें, ठीक है। सो ये है डी ब्रोलीज वेवलेंथ, और ये मोस्टली इलेक्ट्रॉन के केस में अप्लाई होता है, और उसके साथ रिलेटेड हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेपर में मिल जाती हैं, ठीक है। सो इसके बाद आता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हमें क्या बताया कि जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन एंड उनकी मोमेंटम, यानी कि उनकी वेलोसिटी एंड उनकी पोजीशन दोनों को एक साथ एक्यूरेटली नहीं सोल्व किया जा सकता, ठीक है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेज़र साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, ठीक है। एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे पार्टिकल्स की पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों को नहीं सोल्व कर सकते, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ दोनों को एक साथ नहीं सोल्व किया जा सकता। सो लेट डेल्टा एक्स इज अनसर्टनटी इन द पोजिशन, जो उसमें जो उसके आंसर में एरर आया है, एंड डेल्टा पी इज अनसर्टनटी इन द मोमेंटम, देन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, तो उसने हमें फॉर्मूला दिया कि दोनों की अनसर्टनटीज का प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय फोर पाई, ठीक है। सो मोमेंटम की जगह पर मास इंटू वेलोसिटी लिख लेंगे, सो दिस बिकम्स द डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर पाई एम, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय फोर पाई इंटू मास, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, तो प्लीज़ इन दोनों फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लें, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इज द कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस वन, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी ये है, हमें उसकी वेवलेंथ निकालनी है, सो दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द वेलोसिटी गिवन, सो अप्लाई द फॉर्मूला एच इज इक्वल वेवलेंथ इज इक्वल टू एच बाय मास इनटू वेलोसिटी, सभी वैल्यूज लगाएंगे तो हमारा आंसर सोल्व हो जाएगा, ठीक है। सोल्विंग आप लोगों ने खुद कर देखनी है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। ऐसे ही आगे है, कैलकुलेट मास ऑफ ए फोटोन ऑफ द लाइट हैविंग वेवलेंथ ऑफ दिस वन, इस बार मास निकालना है, वेवलेंथ हमें दी गई है, वेवलेंथ दी गई है, हम मास को यहाँ पर लेकर आएंगे, वेवलेंथ चली जाएगी नीचे, सभी वैल्यूज को लगाएंगे, वेलोसिटी क्या होगी? फोटोन ऑफ द लाइट, तो लाइट की स्पीड लगाएंगे वेलोसिटी की जगह पर, तो उसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। जब फोटोन मूव कर रहा होता है तो उसका मास होता है, जब फोटोन रुक जाता है रेस्ट में हो उसका मास जीरो होता है, ठीक है, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज जीरो। कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विच हैज ए डी ब्रोलीज वेवलेंथ, दिस वन वेवलेंथ दी गई है, मोमेंटम निकालना, मोमेंटम मतलब एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी निकालना है, तो एच ओवर वेवलेंथ कर दें, सिंपली आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द एन इलेक्ट्रॉन हैज ए स्पीड ऑफ द 500 मीटर पर सेकेंड विद अनसर्टनटी ऑफ 0.02%, उसमें अनसर्टनटी भी दी गई है, वट इज़ द अनसर्टनटी इन लोकेटिंग इट्स पोजिशन, उसकी पोजिशन को लोकेट करने में कितनी अनसर्टनटी होगी, वेलोसिटी उसकी दी गई है, इसका 0.02% सोल्व कर लें, क्योंकि वही हमारी अनसर्टनटी इन द वेलोसिटी बनेगी, ठीक है, तो वो हमने सोल्व कर लिया 500 ओवर 100 कर वो आ गया 0.1। नाउ हमें सोल्व करना है डेल्टा एक्स को, तो डेल्टा एक्स हम इस साइड पर रखेंगे, डेल्टा भी उस साइड पर डिवाइड में चला गया, यहाँ पर लगाएंगे 0.1 एम की वैल्यू, मास लगाएंगे पाई की वैल्यू, एच की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे, कैलकुलेशन वर्क आपको खुद करना है, ठीक है, तो प्लीज़ इन न्यूमेरिकल्स को जरूर सोल्व कर देखें। नाउ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एंड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ठीक है। श्योरिंजर था एक हमारे पास साइंटिस्ट, श्योरिंजर की वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें क्या मिलता है, पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स एंड वेव फंक्शन, ठीक है।
तो श्रिंजर ने हमें क्या बताया कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज़ करने के बाद उसने हमें ये रिजल्ट दिया कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एक वेव बिहेवियर में होगा और उसकी जो पोजीशन है वो हम बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं सोल्व कर सकते, मतलब उसका कोई भी डेफिनेट पाथ नहीं होगा, वो एक वहाँ पर रीजन में उसके होने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम वहाँ पर क्या सोल्व कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन रीजन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द साई स्क्वेयर। साई स्क्वेयर, साई यहाँ पर क्या है, साई एक वेव फंक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन की वेव है उसका ये एक वेव फंक्शन है, ठीक है। तो श्रिंजर ने अपनी एक वेव फंक्शन बनाया, उसको सोल्व कर कर उसने हमें क्वांटम नंबर्स दिए जो कि 4 होते हैं। उन 4 क्वांटम नंबर्स के यूज़ के साथ हम एटम के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगा सकते हैं, उसकी पोजीशन और उसका जो भी रीजन है वो कौन सी एनर्जी स्टेट में है, ठीक है। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है न्यूक्लियस के आसपास, उस रीजन को हमने नाम दे दिया ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल्स की डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, डम्बबेल हो सकते हैं। तो ये एक 3 डिमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। इससे पहले हमने ऑर्बिट्स के बारे में रीड किया था बोहर एटॉमिक मॉडल में। ऑर्बिट एक सर्कुलर 2D पार्ट होता है, 2D पाथ होता है, बट ऑर्बिटल्स एक 3 डिमेंशनल पाथ होते हैं, ठीक है, रीजन होता है। इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, इनकी शेप्स आपको अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहले आता है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल बॉल जैसी, ठीक है। ये है 1s ऑर्बिटल, ये है 2s ऑर्बिटल, और 2s के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, जिसे हम नोड बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। पी ऑर्बिटल्स की ये सभी शेप हो सकती हैं, 2px, 2py और 2pz। इनकी शेप होती है डम्बल जैसी और इनकी ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की ओर हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स की शेप में 2 डम्बल्स आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसके 4 लोब्स बन जाते हैं टोटल, ठीक है। तो इनकी शेप्स कैसे हो सकती हैं, ये होते हैं टोटल डी ऑर्बिटल्स, टोटल 5 टाइप्स के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। या तो ये हो सकते हैं एक्स वाई प्लेन में, एक्स और वाई एक्सिस ये दोनों हैं, इस प्लेन में आपको इन्हें बनाना है, ठीक है, जेड को बिल्कुल नहीं यूज़ करना। तो ऐसे ही यहाँ पर है वाई जेड प्लेन, वाई यहाँ पर है और जेड यहाँ पर है, इस प्लेन में हमें इन्हें बनाना होगा, ठीक है। तो ऐसे हम इनकी शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है जेड एक्स प्लेन। जेड एक्स प्लेन में हम इसको बना सकते हैं, दिस इज़ द जेड एंड दिस इज़ एक्स, ठीक है। फिर आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर बनता है, ठीक है। फिर आता है डी जेड स्क्वायर, ठीक है, इसकी शेप सबसे अलग है डी जेड स्क्वायर की, ओके। ये होते हैं 5 टाइप्स ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, ओके। नाउ इनमें नोड्स होते हैं, मैंने आपको अभी बताया था। नोड्स क्या होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। ये फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पेपर में इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आया है डायरेक्टली, ठीक है। एक होते हैं रेडियल नोड्स, जो हमने एस ऑर्बिटल में देखे थे या फिर पी ऑर्बिटल्स में भी हो सकते हैं, वो होते हैं रेडियल नोड्स, ठीक है। वो उनका फॉर्मूला हमें क्या मिलता है, एन माइनस एल माइनस वन। ये फॉर्मूला क्या है, ये आपको क्वांटम नंबर्स को रीड करने के बाद में इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। एन माइनस एल माइनस वन होता है, ठीक है। फिर आते हैं नोडल प्लेन्स या फिर एंगुलर नोड्स, इनका फॉर्मूला होता है एल, और इन दोनों को ऐड कर कर टोटल एन माइनस वन नोड्स मिलते हैं हमें हर एक ऑर्बिटल में, ठीक है। और जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, सभी के पास 2 नोडल प्लेन्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 लोब्स हैं, उसमें 2 नोडल प्लेन्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बट जो डी जेड स्क्वायर है, उसकी शेप ही ऐसी है, उसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता। नोडल प्लेन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये है, हम यहाँ से एक ऐसा प्लेन बना सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर एक ऐसा प्लेन बना सकते हैं जिसमें के इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 0 आती है, ठीक है। हम कोई भी ऐसा यहाँ पर प्लेन बना सकते हैं, ओके। सो
इनके बारे में हम रीड करते हैं। इससे पहले हम रीड करते हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि एन क्या है, एल क्या है, एम क्या है, क्वांटम नंबर्स क्या हैं। चार नंबर्स दिए हैं श्रोडिंगर ने, जो कि एटम के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, हर एक इलेक्ट्रॉन का हमें एड्रेस देते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास फोर डिफरेंट नंबर्स होते हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये सभी चारों नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, एटलीस्ट एक नंबर की वैल्यू डिफरेंट होगी। मतलब सभी का एक यूनिक हमारे पास डिस्क्रिप्शन होगी। हर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में हम यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये सभी वैल्यूज़ हैं, और ये इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, जो एनर्जी स्टेट है, वो यहाँ पर हमें ये मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे कि हम एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने इनके लिए एक अलग वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ आप उस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए। आपको इन सभी की वैल्यूज़ को याद कैसे रखना है, इनको राइट डाउन कैसे करना है, वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आता है यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन। इसकी वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सोन। ये हमें मेन एनर्जी शेल और साइज ऑफ शेल एंड इट्स एनर्जी के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। जो मेन एनर्जी शेल है, जैसे कि फर्स्ट यह एनर्जी शेल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, इसकी वैल्यूज़ वन से शुरू होती हैं, जैसे के शेल, एल शेल, एम शेल होते हैं, वैसे इनकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। फिर आता है एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर, दैट इज़ द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एल, ठीक है, स्मॉल एल। ये हमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, और ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है, ठीक है। और आल्सो इट गिव्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, के यहाँ पर एस ऑर्बिटल है, पी है, डी है, कैसी शेप है। और दिस टेल्स अबाउट द एनर्जी सब लेवल या फिर सब शेल, ठीक है। जो एनर्जी का मेन एनर्जी लेवल होता है, वो भी आगे सब लेवल्स में डिवाइड हुआ होता है, ठीक है। अगर L की वैल्यू 0 हो, L की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, जो भी N की वैल्यू है, जैसे मान लीजिए N की वैल्यू 2 है, तो L की वैल्यू 0 से लेकर 2-1 यानी कि 1 तक होगी। हर एक N की डिफरेंट वैल्यू के लिए L की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, जो हमेशा 0 से स्टार्ट होकर N की जो वैल्यू है उससे एक वैल्यू लो होगी, ठीक है। L की उतनी ही वैल्यूज़ होंगी जितनी N की वैल्यू है। जैसे मान लीजिए अगर 2 है, तो L की क्या क्या वैल्यू होगी, 0 और 1, ठीक है। अगर L होगा 0 तो हम उसको बोलते हैं S सब शेल, 1 होगा तो P सब शेल, 2 होगा तो D सब शेल, 3 होगा तो F सब शेल, ठीक है। फिर हर एक L की वैल्यू के अकॉर्डिंग, हर एक L की वैल्यू के अकॉर्डिंग ML की वैल्यू होती है, और ML की वैल्यू क्या होती है, -L to +L तक। जैसे मान लीजिए L की वैल्यू 2 है, तो ML की वैल्यूज़ क्या होगी, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। जैसे मैंने आपको बताया था, पी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पर है, एंड ये हमें बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। जितनी ML की वैल्यूज़ होंगी उतने ही ऑर्बिटल होंगे। जैसे S के लिए यहाँ पर L की वैल्यू 0 है, और ML की वैल्यू भी 0 होगी, ओनली 1 ऑर्बिटल। P के लिए जो L की वैल्यू है 1, और ML की वैल्यू -1, ठीक है, 0 एंड 1, ये सभी हो जाएंगी। उसके लिए हमारे पास कितने ऑर्बिटल बन जाते हैं, 3। और हम हर एक ऑर्बिटल को बॉक्स बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही डी के लिए होती है 5, ठीक है, उसके लिए बन जाते हैं 5 यहाँ पर ऑर्बिटल्स, और एफ़ के लिए होती है 7। और इसके बाद हमारा फोर्थ आता है, दैट इज़ अ स्पिन क्वांटम नंबर। जो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के आसपास ही रोटेट करता रहता है, वो इलेक्ट्रॉन अपने आप जो अपने एक्सिस के अराउंड ही स्पिन करता है, उसके अकॉर्डिंग दो वैल्यूज़ बनती हैं। अगर वो क्लॉकवाइज स्पिन करे तो पॉजिटिव हाफ यानी कि अप स्पिन, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज करे तो माइनस हाफ यानी कि डाउन स्पिन। तो हम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक ऑर्बिटल में आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम, ओके। सो दिस इज़ द क्वांटम नंबर्स। आगे इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ को सोल्व कर देखते हैं। इससे पहले आपको याद रखना है कि ML की वैल्यूज़ को जनरली ऐसे असाइन किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि P के लिए L की वैल्यू होती है 1, ठीक है, P ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, और इसके अकॉर्डिंग ML की वैल्यू 0, +1 से -1 होगी। PZ को 0 दी जाती है, PX को +1, PY को -1। ऐसे ही DZ स्क्वायर को 0, XZ को +1, YZ को -1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को +2, XY को -2, ठीक है। ये होगा जब L की वैल्यू होगी 2,
ठीक है, यानी कि डी ऑर्बिटल के केस में ओके है। सो आगे अब इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले एन की वैल्यू है 1, तो एल की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 ही हो सकती है ओनली, क्योंकि इससे एक वैल्यू हमें लो रखनी है। तो 0 के अकॉर्डिंग बनता है एस, और आगे लगाएंगे 1, तो ये बन गया 1s सबशेल। एम एल की वैल्यू 0 होगी, एम एल की वैल्यू 1 ही है, तो 1 ही ऑर्बिटल होगा, 1 बॉक्स, और कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। आगे एन की वैल्यू 2 है, तो एल की वैल्यू 0 होगी और 1 होगी, ठीक है। तो 0 के अकॉर्डिंग बन गया 2s, 1 के अकॉर्डिंग बन गया 2p, और 0 के अकॉर्डिंग एम एल की वैल्यू भी 0 बनेगी, 1 ही ऑर्बिटल होगा। 1 के अकॉर्डिंग एम एल की वैल्यूज़ -1, 0 और होगी 1, तो टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, ए है 3, और यहाँ पर ऑर्बिटल बन गए 3 बॉक्स बनाए, दो दो इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड एनर्जी स्टेट, ठीक है। ऐसे ही आगे आ जाएगा 3, 0, 1, 2 तक जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है, मतलब कि 3s 3p 3d, और इसके लिए 0 और ये वैल्यू सेम है, ऐसे ही 2 के वैल्यू लिए आ जाएंगी, -2 -1 0 1 2, तो कितने कितने ऑर्बिटल बन गए, 1 3 और 5, सभी में इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे तो 2 6 और 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन इस थर्ड एनर्जी स्टेट में, टोटल कितने बन जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो ऐसे आपको इन डिफरेंट क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ को सोल्व करना है, तो प्लीज़ इन्हें सोल्व कर देखें, इनके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वहाँ से आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। एक बात आपको याद रखनी है कि जो सिंपल हाइड्रोजन एटम है या फिर जिसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बिल्कुल सिंपल रहता है। उसके लिए क्या होगा, सबसे नीचे होगा 1s, एक ऑर्बिटल है, फिर आएगा उसके बाद 2s एंड 2p, दोनों की सेम एनर्जी हो जाएगी, फिर आएंगे सभी ऑर्बिटल्स ऑफ द थर्ड शेल, फिर सभी फोर्थ के, फिर सभी फिफ्थ के, ऐसे सभी की एनर्जीज वहाँ पर होती हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये सभी ऑर्बिटल्स यहाँ पर डीजनरेट रहते हैं, ठीक है। डीजनरेट होने का मतलब जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। बट जब बात आती है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की, ठीक है ना, हाइड्रोजन के बाद जो भी सभी एटम्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 3 अप टू 7, कोई भी इलेक्ट्रॉन सो नंबर, उनमें एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ ऐसी बनती है, सबसे लो 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर आता है 3d, फिर आता है 4p, ऐसे अपवर्ड और भी आगे ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको एनर्जी लेवल डायग्राम याद रखनी है फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ऐसा क्यों होता है, ये सभी एनर्जीज अलग अलग क्यों हो जाती हैं, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला है जैसे कि न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण वहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द लोअर एनर्जी लेवल्स, जो इसका बेसिक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि लोअर शेल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाकी के सभी इलेक्ट्रॉन्स तक न्यूक्लियस फोर्स को, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को चेंज करते हैं, इसके कारण ये सभी कुछ होता है, ठीक है। तो इसमें शील्डिंग होती है, स्क्रीनिंग हो जाती है। वो क्या होता है, जब इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड कर लेते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द न्यूक्लियर फोर्स, उसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपको थर्ड चैप्टर यानी कि पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ वाला जो हमारा थर्ड यूनिट है, ठीक है, क्लास प्लस वन का, उसमें जानने के लिए मिल जाएंगे। सो आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम्स की कैसे लिखनी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सबसे पहले मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। हमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू सम रूल। सबसे पहला रूल क्या है, ऑफवे प्रिंसिपल। तो देखिए इस पेपर में बहुत बार क्या होता है कि इन सभी प्रिंसिपल्स की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और उनमें राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में पूछा जाता है, तो प्लीज़ इन्हें ध्यान से अंडरस्टैंड कर लें। ऑफवे प्रिंसिपल ने हमें क्या बताया, ठीक है, ऑफवे ने हमें बताया कि इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन एंटर्स द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी फर्स्ट एंड द सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन्स आर फेड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज, ठीक है। ओपो ने सिर्फ इतना बताया कि ग्राउंड स्टेट में एटम होगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लोएस्ट एनर्जी जो
वहाँ पर ऑर्बिटल है उसमें रखा जाएगा। बाद में जो और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हायर एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में उनको आगे की आगे रखा जाएगा, ठीक है। अब कौन सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला है, कौन हायर एनर्जी वाला है, वो यहाँ पर नीचे ऑर्डर हमें दिया हुआ है, ये याद कैसे रखना है वो हम आगे देखते हैं। इसको याद रखने के लिए हम याद रखेंगे बोहर ब्यूरी रूल, ठीक है। बोहर ब्यूरी रूल ने हमें क्या बताया कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिटर्मिंड बाय एन प्लस एल रूल, ठीक है। जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर दो ऑर्बिटल्स के लिए ये वैल्यू सेम है तो हम एन की वैल्यू को चेक करेंगे, जिसकी एन की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी हायर होगी, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए हमने ये एक डायग्राम बनाई है, डायग्राम फॉर रिमेंबरिंग द सीक्वेंस, ठीक है। सबसे पहले सभी ऑर्बिटल्स को बनाने, 1s, 2k, 2s और 2p, थर्ड के 3s, 3p, 3d, फिर 4k, 4s, 4p, 4d, 4f, 5k सभी बना लें, 6k, 7, ठीक है। 6, 7 के आगे और भी होते हैं, वो यूज़ नहीं होते तो हमने उनको बनाया नहीं। आपको एरोज़ ऐसे स्टार्ट करने हैं, ठीक है। एरोज़ हमें यहाँ से स्टार्ट करने हैं, ऊपर से सबसे पहले आएगा 1s, फिर यहाँ से आ गया 2s, फिर यहाँ से आ गया 2p, उसके बाद यहाँ पर आ गया हमारे पास 3s, फिर यहाँ से आया 3p, उसके बाद 4s, ठीक है। फिर आ गया यहाँ से 3d, फिर 4p, फिर आ गया 5s। ऐसे ही आप आगे के आगे सभी ऑर्बिटल्स का सीक्वेंस बना सकते हैं जस्ट इन सेकंड्स, ठीक है। अगर अब ये सीक्वेंस हम बना लेते हैं तो ये ऑफबॉय प्रिंसिपल के अंडर ही आ जाती है सीक्वेंस, जिसको बनाने का हमें बोहर ब्यूरी रूल ने बताया था, ठीक है। तो अब हमें इनमें इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, तो अगले दो प्रिंसिपल्स हमें क्या कहते हैं, सबसे पहला है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एन ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इसकी एक और स्टेटमेंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के सभी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, एट लीस्ट 1 क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट होगी फॉर 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लीजिए अगर वो सेम ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी दो जो हैं, कोई भी एट लीस्ट 1 क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब इसी लिए हम इसे एक यूनिक प्रॉपर्टी बोलते हैं कि जो ये सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स हैं इनकी ओवरऑल जो वैल्यूज़ होती हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक एड्रेस की तरह ही काम करती हैं, ठीक है। और थर्ड रूल है, दैट इज़ द हंट्स रूल ऑफ द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ऑफ द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ने हमें क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करनी है। हमें ये तो मालूम है कि एक ऑर्बिटल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग के बारे में उसने क्या बताया, मान लीजिए ये है पी ऑर्बिटल, सबसे पहले जो डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं सेम एनर्जी वाले उन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन रखें, ठीक है। जब वो सभी कम्प्लीटली एक एक इलेक्ट्रॉन उनमें आ जाएगा, फिर अगर हमारे पास और इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम फिर उनमें जो है वहाँ पर ये दो दो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर कंप्लीट करेंगे, मतलब फिर हम उनकी करेंगे पेयरिंग, ठीक है। ऐसे करना है इसमें। सो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी अनटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड, ये उसने हमें बताया था। ये हमें किसने बताया था, हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, ऑफबॉय प्रिंसिपल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को यूज़ कर कर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर है 1, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या आ जाएगी, 1s1, क्योंकि एस में 2 आ सकते हैं बट हमारे पास तो एक ही है तो हमने एक रख दिया। फिर हीलियम है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या बन जाएगी, 1s2, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास लिथियम, के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 हैं, 1s के पास हमने 2 रख दिए, उसके बाद कौन आएगा, 2s। यहाँ पर मैं हम ऑर्डर उतार लेते हैं, 1s था, 2s था, 3s, सॉरी 2p था, ठीक है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, ठीक है, फिर था 4s और 3d, ठीक है, ये सभी थे। तो 4 के लिए 2 यहाँ पर, 1s2, 2s2, साथ में आप ऐसे भी बनाकर दिखा सकते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल के लिए बॉक्सेस को। बोरोन के लिए ऐसे में रखेंगे, 1s2, 2s2, 2p में आएगा 1, ठीक है, तो हम उसको लिख सकते हैं 2px1। ज़रूरी नहीं है आपको 2px1 लिखना है, आप इसको सिंपली 2p1 भी लिख सकते हैं,
ठीक है, हम इसे सिंपली यहाँ पर 2p1 भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। ऐसे ही आप आगे सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, तो प्लीज़ इस वीडियो को रोक कर इसका स्क्रीनशॉट लें, इनको खुद सोल्व कर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। मैं आपको सोडियम की बनाकर दिखाता हूँ। सोडियम के पास है 11, इसके पहले था हमारे पास नियोन, नियोन इज़ ए नोबल गैस, ठीक है, उसके थे 10 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 4 हो गए, और 2p में कितने आ गए, 6 आ गए, तो हमने सभी के पास दो दो रख दिए, तो p ऑर्बिटल हमारा यहाँ पर फिल हो चुका है, p सबशेल फिल हो चुका है, ठीक है। तो हम नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ कर सकते हैं आगे, ठीक है, दूसरों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो सेम आ जाएंगे, ठीक है ना, नियोन जैसी हो जाएगी, यहाँ तक तो सेम होगी ना, नियोन जैसी ही। तो हमने क्या लिख लिया, नियोन, जो 11th इलेक्ट्रॉन था वो हमने इससे जो अगला ऑर्बिटल यूज़ होता है 3s1 उसमें हमने रख दिया। तो ऐसे ही आप आगे सभी जितना टाइम अगली जो नोबल गैस 18 पर जो आर्गन नहीं आती, हम सभी में ऐसे ही यूज़ करने वाले हैं। मान लीजिए ये है फॉस्फोरस, नियोन तक हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन 10, बाकी के कितने बचे 5, 3s में 2 और 3p में कितने आ गए, आगे ये है 3, ठीक है। तो आप अगर ये वाली यूज़ करेंगे, ये वाली ज़्यादा इजी रहती है, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3p में आगे 3। ऐसे ही अब हम आगे बात करते हैं कैल्शियम की, ठीक है, उसमें क्या आएगा, 18 तक आ गया हमारे पास आर्गन, तो आर्गन के पास ओनली एक इलेक्ट्रॉन बचा, 4s1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ आउटर मोस्ट जो सबशेल होता है वही हमें बॉक्सेस में शो करना है, तो इसके साथ ही यहाँ पर एक ही 3d जो एम्प्टी पड़ा हुआ है वो भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ द क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है ये है 24, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गए, बाकी के कितने बचे हैं 6, 6 में से डी को हमने 6 नहीं देने हैं क्योंकि 3d फिल होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें 4s को यहाँ पर फिल करना होता है, ठीक है ना, तो हमारा ऑर्डर क्या होता है, 4s और बाद में आता है 3d। हमने 4s को मान लीजिए रख दिए 2, और यहाँ से बच गए 4 इलेक्ट्रॉन और 4 आ गए यहाँ पर। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा 3d में, और इसके पास बन जाएंगे 5, 4s के पास बच जाएगा 1, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस और या फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ठीक है ना, ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी एंड मोर सिमेट्री, ठीक है। तो हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड ऑलवेज ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन एस से डी में चला गया है। ऐसे ही यहाँ पर होता है कॉपर के केस में, 4s2 की बजाय 4s1 है, क्योंकि यहाँ पर बचना था 3d9, उसको हमने कम्प्लीटली फिल बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन उधर वहाँ पर कर दिया है ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, प्लीज़ इनको याद रखिएगा। इसके साथ ही आपको एक और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसकी हेल्प के साथ आप किसी भी एटॉमिक नंबर, चाहे 100 हो, चाहे कोई भी एटॉमिक नंबर हो, कोई भी एलिमेंट हो, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सोल्व कर सकते हैं। वेरी इजी मेथड, एक बहुत ही अच्छा मेथड है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक्सेप्शनल थे केस, क्योंकि हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड जो होते हैं सबशेल्स और ऑर्बिटल्स वो स्टेबल होते हैं। इसके दो रीज़न होते हैं, फर्स्ट इज़ द सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, ठीक है ना, सिमेट्री होती है, वो भी हाफ़ है, ठीक है, इसलिए, और या फिर लार्ज एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या है, यहाँ से ध्यान से इसे अंडरस्टैंड करें। अगर हम यहाँ पर रखते हैं 3d4 और 4s2, ठीक है, 3d4 में इसके पास एक्सचेंज के टोटल 6 वेज हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है 2, और इसके वेज हैं 3, इसके 2s और इसके 1। ऐसे ही अगर हम रखते हैं 3d5 हाफ फिल्ड करते हैं, तो एक्सचेंज नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फुल चैप्टर, तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना है, सभी चीज़ों को नोट डाउन करें, और आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी आफ्टर द 5000 व्यूज़। जब इसके 5000 व्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी PDF फाइल भी अपलोड हो जाएगी, तो प्लीज़ इसे जल्द से जल्द शेयर करें और इसके 5000 व्यूज़ को ये कम्प्लीट करवाएँ, तो फिर आप सभी को इसकी PDF फाइल भी दे दी जाएगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।